तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच था न्यूजीलैंड के साथ वो ड्रा हो चुका है और उसी पे हम बात करेंगे। मेरे साथ वाले जो दोस्त हैं वो आज थोड़े से काम के हैं तो इस वजह से नहीं है, तो इसलिए आज मैं ही हूँ। तो टेस्ट मैच पे आए तो पाकिस्तान ने टेस्ट मैच ड्रा कर लिया, हालांकि जीत भी सकते थे लेकिन एंड पे 1 मिनट बच गई थी तो कोई पता नहीं था, किसी भी टाइम हम आउट हो सकते थे। और क्या बता, जो टेस्ट हमने बचाया है वो हम हार भी जाते। इसको हम कहेंगे कि चलें ठीक है, पाकिस्तान के हक में भी जा सकता था, पाकिस्तान के खिलाफ भी जा सकता था। क्या पता नसीम शाह बाद में आउट हो जाते या उन दोनों में से कोई एक, क्योंकि एंड पे नसीम शाह ने बाउंड्रीज तो लगाई बट वहाँ से एक उम्मीद जागी कि क्या पता पाकिस्तान बना सकता है, बट बैड लाइट की वजह से मैच जो था वो ड्रा हो गया। और इसकी अब मैच की पॉजिटिव की तरफ आएँ तो आई थिंक पॉजिटिव्स काफ़ी सारे हैं। सरफराज ने जैसे सेंचुरी की लग यही रहा था, क्योंकि जब पहले सेशन में इतने आउट हो गए, 80 स्कोर पे 5 आउट हो गए, तो तब लग यही रहा था कि अब पाकिस्तान हार जाएगा। मतलब तब ड्रा होने का चांस भी नहीं था कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच सेव कर पाएगा या नहीं, लेकिन सरफराज ने जो इनिंग्स खेली है, साथ में जो साउथ शकील ने साथ दी है, तो उस वजह से पाकिस्तान जो है वो इस स्टेज पे पहुंचा कि इस टेस्ट मैच को हारने से बचा सके। सरफराज की तारीफ करनी पड़ेगी, इतनी अच्छी उन्होंने इनिंग्स खेली, सेंचुरी स्कोर की, इतने काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन 3 साल बाद वो क्रिकेट में वापस आए, इंटरनेशनल क्रिकेट में, और इतनी अच्छी इनिंग्स खेली, उनके लिए भी इम्पोर्टेंस थी। उसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इनिंग्स साबित हुई। अब पॉजिटिव्स की तरफ आएँ तो काफ़ी सारे हैं, बट ये है कि पाकिस्तान को यहाँ से टेस्ट मैच जीतना चाहिए था, नहीं जीत सकते या नहीं जीत सके तो क्या कह सकते हैं, क्रेडिट जाता है न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी, इतनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग करवाई। और मेरे ख्याल से उनके लिए भी जो है ये पॉजिटिव या प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी आगे इंडिया के साथ सीरीज खेलनी है तो इसलिए। इसके अलावा अगर बीपीएल पे जाएं तो आज मोहम्मद आमिर ने अपना पहला मैच खेला बीपीएल का, आज फर्स्ट मैच था बीपीएल का, तो मोहम्मद आमिर ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवाई। हालांकि जो लग रहा था एक्सपेक्टेशन थी कि वो पाकिस्तान टीम में रिटर्न करेंगे या नहीं, तो जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि वो टीम में आ सकते हैं। जैसे आज उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, सिर्फ 7 रन दिए 4 ओवर्स में T20 क्रिकेट में, ये बहुत अच्छा इकोनॉमिक रेट है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 4 ओवर्स में आप 20 भी दें तो उसे अच्छा माना जाता है, बट 4 ओवर्स में सिर्फ 7 रन दिए और 2 विकेटें, तो काफ़ी अच्छा उनका डेब्यू रहा इस बीपीएल में, इस सीजन में। तो उम्मीद यही करेंगे कि वो अपनी इस फॉर्म को बरकरार रखेंगे बीपीएल में भी, पीएसएल में भी, ताकि मे बी वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए रिटर्न करें। अगर ऐसी फॉर्म उनकी रहती है तो पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदा होगा आने वाले, जब 2023 का जब वर्ल्ड कप है इंडिया में, उसके लिए भी अगर उन्हें चांस मिलेगा तो, क्योंकि रिसेंटली उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है आज उससे लग ही रहा है कि उनकी अब चांसेस और बढ़ चुके हैं, और पीएसएल में भी उनके चांसेस अगर ऐसे परफॉर्मेंस देंगे तो बढ़ जाएंगे और वो टीम में कम बैक कर जाएंगे। शाहिद आफरीदी ने भी आज कहा कि जैसे अहमद शहजाद है, उमर अकमल है, इनको हमने इसलिए कहा है कि ये लोग अपनी परफॉर्मेंसेज जारी रखें और ये सिलेक्शन कमेटी के नज़र में हैं, इनको कभी भी चांस मिल सकता है, तो अपनी परफॉर्मेंसेज को कंटिन्यू रखें। तो उम्मीद यही है कि इन प्लेयर्स को जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको चांस ज़रूर मिलेगा, वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।